Okay, guys and girls. So, good evening, all of you. Uh, we are going to start with April 2019 CM2 paper A. Okay, so question number two is on stochastic dominance, not in the syllabus. Again, I can see uh, question number 10, not in the syllabus, which is uh, stochastic. Interest rate models. Okay. So let's start with a very simple question. Uh, question number one. Describe the three forms of efficient market hypothesis, which is the weak form, semi-strong form, and the strong form, right? Describe the evidence against market efficiency in relation to overreaction of market prices to events, under reaction of market prices to events.

as this information is already incorporated in the market price this form if true means that technical analysis techniques analyzing charts of prices and spotting patterns will not produce excess performance semi strong form emh the market price of an investment incorporates all publicly available information knowledge of any information knowledge of any public information matlab जो पास हिस्ट्री में है एंड जो फंडामेंटल है ठीक है नॉट मार्केट प्राइस फंडामेंटलिसक वी के नॉट अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वी केमल प्र थ्रू फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस इफ दार्केट आर सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशियंट एंड वी के नॉट अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बाई इन साइडर ट्रेडिंग इफ द मार्केट इज स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशियंट ओकेशन राइट सो ओवर रिएक्शन का मतलब क्या है मार्केट अपियर्स टू ओवर रियक्ट टू पास परफॉर्मेंस पास विनर्स टेन टू बी फ्यूचर लूजर्स सर्टन अकाउंटिंग रेशियोज अपियर टू है कैश फ्लोज टू प्राइस एंड बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू जनरली पुअर हैव हाई फ्यूचर रिटर्न अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पास्ट ग्रोथ इसका मतलब क्या है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मार्केट ओवर रियक्टिंग टू पास ग्रोथ देर आर ऑल्सो वेल डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल ऑफ अंडर रिएक्शन फॉर्म कमिंग टू दार्केट स ऑफ अंबर ऑफ मेजर फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूडिंग ऑफर होता है एंड सीजन इक्विटी ऑफरिंग लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस मार्केट में आया पटा दिया एकदम पूरा मतलब बट फिर क्या होता है क्या वो सस्टेन कर पाता है उसको वो देखना होता है ठीक है ना अपर पे अपर सर्किट चलता है

एक्स्ट्रा वोलेटाइल है ठीक है ना ऑल्सो इफ मार्केट आर एफिशियंट ब्रॉड मूवमेंट इन दर्फेक्ट फोरसाइड प्राइस शुड बी को रिलेटेड विद मूव इन प्राइस, एज बोथ रियक्ट टू द सेम न्यूज क्या बोलते हैं इफ मार्केट्स आर एफिशियंट ब्रॉड मूवमेंट मतलब बड़े बड़े जो मूवमेंट्स होते हैं इन द परफेक्ट फोरसाइड प्राइस शुड बी को रिलेटेड विद मूव इन द प्राइस एज बोथ रिएक्ट टू सेम न्यूज स्टॉक प्राइस कंटिन्यू टू रेस्पॉन्ड टू अर्निंग्स अनाउंसमेंट up to a year after their announcement this is an example of underreaction to information which is slowly corrected Theke? abnormal excess returns for both the parent and subsidiary firms following a demerger so this is another example of the market being slow to recognize the benefits of an event Theke? abnormal excess returns for both the parent and subsidiary firms following a demerger iska matlab kya hai

पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस टी is what s 0 e to the power mu t plus half sigma square t and variance of s t is what s 0 square e to the power 2 mu t plus sigma square t e to the power sigma square t minus वन ठीक है तो बेसिकली अपने को क्या बोला है लॉग नॉर्मल सो अपने क्या बोल सकते हैं एल एन एस टी फॉलोज नॉर्मल एल एन एस जीरो प्लस म्यूटी कॉमा सिग्मा स्क्वायर टी यही होगा ठीक है द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी एट टाइम जीरो इज एस जीरो इज वन थाउजेंड एक्सपेक्टेड प्राइस एट टाइम थ्री इज इतना एंड द स्टैंडर्ड डिशन इज इतना ठीक है डिटरमाइन दैरामीटर वैल्यूज फॉर दस्पॉन्डिंग लॉग नॉमल मॉडल ठीक है यह तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को क्या क्या दे दिया ध्यान दो सो so, अपने कैलकुलेशन कर रहे हैं अपने निकालते वेरियंट ऑफ एस थ्री होल डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ एस थ्री का स्क्वायर, सो इसमें अपना कट कुटा के क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल सिग्मा स्क्वायर ई टू सिग्मा स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा एक बार बेसिकली दो इक्वेशन और दो अनोनेस को सिंप्लीफाई करने का मैं ट्राई कर रहा था सो एस जीरो का स्क्वास जीरो का स्क्वायर कट जाएगा टू म्यू टी माइनस कर ही लेते हैं सो एस जीरो का ई टू पावर टू म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी ई टू पावर टी सिग्मा स्क्वायर माइनस वन होल डिवाइडेड बाय जीरो का स्क्वायर स्क्वा टू पावर टू म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी है ना तो एस जीरो का स्क्वायर एस जीरो का स्क्वायर कट जाएगा टू म्यू टी और ये भी पूरा नहीं कटेगा बेस इसका अपना आएगा इसको करना पड़ेगा सो ये कितना आएगा टू यहां तक तो ठीक है बट यहां पर ये भी है अपना एक्टो ई टू दावर टी सिग्मा स्क्वेर माइनस वन सो मेरे को लग रहा है फाइनली अपना आएगा एक्सपोनेंशियल थ्री सिग्मा स्क्वायर माइनस वन क्योंकि अपना यहाँ पर टी की जगह में थ्री डाल सकते हैं ठीक है म्यू माइनस टी डालो तो टी की जगह में थ्री डालो ये और ये तो अपना कट जाएगा ठीक है सो so, टू म्यू टी ये तो पूरा ही कट जा रहा है बची क्या रहा है अपना ई टू दी पावर थ्री सिग्मा स्क्वायर माइनस वन ये पूरा ही तो कट जा ये पूरा ही कट जा रहा है एक्चुअली अपना ये वाला और ये वाला भी कट जा रहा है ठीक है सो ई टू दी पावर थ्री सिग्मा स्क्वायर, ठीक है माइनस वन देख लो इसको ठीक है सो so, अब जैसे क्या हो जाएगा अब अगर अपने को सिग्मा स्क्वायर निकालना है तो अपने क्या कर सकते हैं अपने करेंगे वेरिएंस ऑफ अपने करेंगे वेरिएंस ऑफ एस थ्री होल डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ एस थ्री का स्क्वायर प्लस वन ये पूरा चीज अपने डालेंगे एल एन में और फिर इसको पूरा को डिवाइड करेंगे थ्री से तब जाके अपना आएगा सिग्मा स्क्वायर ठीक है तो यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए बताइए कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने से आ रहा है जीरो पॉइंट वन वन टू जीरो पॉइंट वन वन टू ठीक है ये आ गया अब इसके बाद में सिग्मा स्क्वायर आ गया तो अपना फिर म्यू भी आ जाएगा ठीक है म्यू में डाल दो मैंने सिग्मा स्क्वायर डालने सब तो आ ही जाएगा बिकॉज अपने को क्वेश्चन में ये तो दे ही दिया है कि अपना एक्सपेक्टेड प्राइस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन सब तो अपने को दे ही दिया है ठीक है सो म्यू अब अपना सॉल्व हो जाएगा म्यू विल बी जीरो पॉइंट वन एट टू डालने से अपना आंसर आ जाएगा जैसे एक में डाल के दिखाता हूं म्यू के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एस टी टू जीरो फोर टू दिया है ना तो अपने डाल सकते हैं टू जीरो फोर टू इज इक्वल टू वन थाउजेंड ई टू दावर म्यू इन टू थ्री प्लस हाफ इंटू थ्री इंटू सिगमा स्क्वायर का जो वैल्यू आया था ठीक है यहां से अपने सॉल्व कर लेंगे फिर बोलता है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी सिक्योरिटी प्राइस एट टाइम फाइव बिटवीन टू थाउजेंड एंड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो वी वॉन्ट प्रोबेबिलिटी ठीक है दो हजार और ढाई हजार के बीच में रहेगा सो so सबसे पहले तो मैं दोनों सब तरफ में एस जीरो से डिवाइड करूंगाबिलिटी टू थाउजेंड 2000 वन थाउजेंड एस फाइव बाय एस जीरो टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड बाय थाउजेंड फिर दोनों तरफ मैं एल एन ले लूंगा ठीक है और फिर उसको मैं वो कर लूंगा क्या बोलते हैं उसको स्टैंडर्डाइज सो so, तीनों तरफ एल एन ले लो सो प्रोबेबिलिटी एल एन टू एल एन एस फाइव बाई एस धीरो ठीक है फिर इसके बाद में प्रोबेबिलिटी सो एल एन एस फाइव बाई एस जीरो विल फॉलो नॉर्मल फाइव म्यू फाइव सिग्मा स्क्वायर ना सो प्रोबेबिलिटी एलेन टू माइनस फाइव म्यू बाय रूट अंडर फाइव सीग्मा स्क्वेड एलेन टू पॉइंट फाइव माइनस फाइव म्यू बाय ठीक है बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा अपना डिफाइन द फॉलोइंग मेजर्स एल्जेब्रिकली वैल्यू एट रिस्क एक्सपेक्टेड शॉर्ट फॉल बिलो अ बेंचमार्क लेवल एल सजेस्ट इट कैन बी डिफिकल्ट टू अप्लाई वैल्यू एट रिस्क टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन एट हायर परसेंटेज लेवल्स सो so ये आप लोग रीड कर लीजिएगा इज द डेफिनेशन दैट यू नीड टू पुट इन मेनी डिस्ट्रीब्यूशन एनकाउंटर्ड इन द रियल वर्ल्ड आर नॉन नॉर्मल एंड इट कैन बी डिफिकल्ट टू फाइंड अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दैट विल मॉडल द टेल्स द्रोप्रिएटली तो इसका मतलब क्या है ये लोग ये बोलना चाहते हैं कि बहुत सारे रियल वर्ल्ड में नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस बेसिकली नॉन नॉर्मल में अपने को प्रॉब्लम क्या होगा कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन अपने अप्लाई करें जो टेल्स को प्रॉपरली मॉडल कर सकता है ठीक है मेनी डिस्ट्रीब्यूशन एनकाउंटर इन द रियल वर्ल्ड आर नॉन नॉर्मल एंड इट कैन बी डिफिकल्ट टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दैट विल मॉडल टेल्स अप्रोप्रिएटली। मॉडल्स बिल्ड फॉर कोर इन मे नॉट वर्क वेल इन दी है इज लिटिल डेटा इन दिच टू बेस अवर मॉडलिंग मतलब देर इज लिटिल डेटा इन द टेल्स ऑन विच टू बेस अवर मॉडलिंग इवेंट्स इन द टेल्स मे बी अनलाइकली बट एक्सट्रीम इवेंट्स इन द टेल्स मे बी अनलाइकली बट एक्सट्रीम मतलब अनलाइकली का मतलब क्या होता है बहुत कम चांस है कि वैसा होगा एंड डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फॉर एग्जाम्पल अ फाइनेंशियल क्राइसिस इफ वी यूज मोन्टेकालो सिमेशन देन वी नीड अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सिमेशन To model tails sufficiently well, Is it okay, all of you? I hope so. You're liking it. So let's move to the next question. This is question number four. List the assumptions underlying the Black-Scholes model of option prices. It's very, very, very important. So I will go through it. The assumptions underlying the Black-Scholes model. प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग शेयर फॉलोज जोमेट्रिक ब्राउन एंड मोशन सबसे पहला आपने को क्या है ज्योमेट्रिक ब्राउन एंड मोशन फिर क्या है नो रिस्क फ्री आर्बिट्रेज ऑपॉर्चुनिटीज नो रिस्क फ्री आर्बिट्राज ऑपरचुनिटीज नेक्स्ट फिर अपना क्या है the risk-free rate of interest is constant, the same for all maturities, and the same for borrowing and lending. so basically rf is constant, unlimited short-selling. so basically s minus is allowed, no taxes, oblique transaction cost, taxes, vagarania, the underlying asset can be traded continuously and in infinitesimally small number of units.

शेयर हैज एटिलिटीन परसेंट तो अपने जीरो पॉइंट का ठीक है एन डी वन एन डी टू निकालेंगे, निकालेंगे. ठीक है ये ये मैं नहीं करा रहा ये एकदम डायरेक्ट है ठीक है टेबल बुक में दिया हुआ अपने को नॉन डिविडेंड पेइंग डिविडेंड पेइंग का दिया हुआ डिविडेंट को जीरो करना है ओके okay. कॉल ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द सेम शेयर विद्राइक प्रेस एंड टाइम फेर प्रेस ऑफ कॉल ऑप्शन तो अपने लाइंगे पुट कॉल पैरिटी विच इज कॉल प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक इज इक्वल टू पुट प्लस शेयर ठीक है सो ये वाला भी अपना हो गया बाई पुट कॉल पैरिटी उसके बाद में

और यहां पर अपना ये जो शेयर है ये डिविडेंड्स देगा तो बेसिकली बोलने का मतलब क्या है अगर हम लोग कॉल और पुट का बात करें सो पुट का मतलब क्या है अपने पास में शेयर है कॉल का मतलब क्या है अपने पास में पैसा है राइट right? सो so अगर अपने पास में शेयर है तो डिविडेंड्स देगा तो अपने को बढ़िया मजा है और अगर अपने पास में कॉल है और अगर डिविडेंड देगा तो अपने को नहीं मिलेगा तो इसलिए बोला कॉल ऑप्शन वी वर्थलेस एंड पुट ऑप्शन वुड बी वर्थ मोर इसीलिए जब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो शेयर जो डिविडेंड छोड़ेगा शेयर जो डिविडेंड छोड़ेगा उसका यहां पर अपने को रखना पड़ेगा प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स तो उससे क्या होगा मेच्योरिटी पे दोनों वैल्यूज सेम हो जाएंगे बेसिकली दोनों पोर्टफोलियोज के जो वैल्यूज है वो सेम हो जाएंगे ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव में आइए

So basically, the portfolio is inefficient. So we can find another portfolio with the same expected return, but lower risk or the same risk but a higher expected return. Na? So it's very simple. Consider the market with just two securities expected return and variance covariance. Derive a formula for the amount XA that should be invested in SA to minimize the portfolio minimum. Uh, min minimize the portfolio variance. So we already know this.

दोनों का वेरिएंस दोनों का वेरिएंस माइनस टू इंटू को वेरियंस ठीक है बट अगेन आई जस्ट शो इट हियर इन शॉर्ट ठीक है मैं आप लोगों को दिखा दूंगा ये भी सो बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट दस सो वेरियंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या आएगा वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस टू इंटू वेट इंटू वेट इंटू को वेरियंस ठीक है लिखूंगा so, यहां पर मैं एक्स बी को वन माइनस एक्स ए एक्स एक्स बी को लिखूंगा ए ठीक है और फिर मैं निकालूंगा डीवी डी एक्स ए डीवी डी एक्स ए निकालूंगा बेसिकली अगेन अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा

इंटू माइनस वन वी बी ओके अब जैसे एक्स एक्स ए ए वन माइनस है सो वन माइनस एक्स ए को रखा ओके वन माइनस एक्स ए को रखा तो अपने एक्स ए का किए देन अगेन मैं एक्स ए को रख के इसका करूंगा तो यहां पर आएगा माइनस वन ठीक है ना दिस इज वॉट यू ऑल आर गोइंग टू गेट ओके बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे इक्वल टू जीरो पुट करके ऑल यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई दिस ओके सेकेंड ऑर्डर शुड बी पॉजिटिव सो कर लेना आप घर पे आई होप सब ये तुम लोग से हो जाएगा कुछ भी नहीं है अपने को वेरियंट को मैक्सिमाइज करने बोला है

Is, you will get okay, so it's very simple again. Next, next is uh, question number six. Consider a share with price st at time t, the continuously compounded risk free rate is r. Show that the fair price of a forward contract on st maturing at time t is called portfolio construction. Se kareinge, right, it's called portfolio construction. Se it's a very, very, very good question. Cute, cute question, in fact. Theke? सो बेसिकली अब अपने को दो पोर्टफोलियो बनाने हैं दो दो पोर्टफोलियो बनाने हैं सो यहाँ पर मैं एक एक मैं बनाता पोर्टफोलियो ए और मैं एक बनाता पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो बी राइट सो ए में पोर्टफोलियो ए में मैं क्या कर रहा हूँ पोर्टफोलियो ए में मैं क्या कर रहा हूं मैं रख रहा हूं यहां पर एक एफ प्लस सो बेसिकली वन एफ प्लस ठीक है एंड यहां पर मैं कर रहा हूं मैं बोरो कर रहा हूं पैसा मैं बोरो कर रहा हूँ आई बोरो

सो इट इज माइनस के एंड मेरे को शेयर लेना है सो इट इज एस टी माइनस के एंड यहां पर मेरा क्या आएगा आई हैव बोरोड सो बेसिकली इस पे इंटरेस्ट चढ़ेगा सो बेसिकली के ई टू पर माइनस आर टी ई टू पर आर टी ये है माइनस में एंड एक एस प्लस मैंने किया था तो ये मेरा आ जाएगा तो बेसिकली अगेन बोथ द पोर्टफोलियोज आर हैविंग द सेम वैल्यू दोनों का जो वैल्यूज होगा वो भी क्या होगा सेम होगा लॉ ऑफ वन प्राइज से दोनों का जो वैल्यूज होगा वो भी क्या होगा सेम होगा ठीक है सो एट टाइम जीरो

डेल्टा अपने को दे दिया फेयर प्राइस निकालना है टाइम फाइव पे ये तो भाई क्या है so e so ये सो दिस विल बी के इज इक्वल टू टी टू दाइव इन टू जीरो में इन्वेस्टर टेक्स लॉन्ग पोजिशन इन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एट टाइम वन शेयर प्राइस इज फॉल टू टेन सो बेसिकली नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट के वन ये जो अपने निकाले था ना ये के जीरो था सो so अपने के वन निकालेंगे ठीक है अपने को के वन निकालना है सो so, के वन अपने निकालेंगे के वन अपने पास में कितना आ रहा है के वन आएगा अपना टेन क्वेश्चन ने क्या बोला है कैलकुलेट द वैल्यू टू द इन्वेस्टर ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सो के वन अपना आएगा टेन ई टू दावर फोर 4 जीरो पॉइंट जीरो फाइव सो ये आएगा अगेन इज द लॉन्ग फॉरवर्ड सो so, वैल्यू uh, अपने जब निकालेंगे सो so वैल्यू अपने करेंगे के वन माइनस के जीरो दोनों ही है ये कहां पर खड़े हैं टाइम फाइव पे खड़े हैं देखो ये अपना टाइम लाइन है ये जीरो हो गया ये वन हो गया और ये फाइव हो गया सो so, यहां पर अपने निकाले थे के K... सॉरी यहां पर अपना खड़ा है एस जीरो यहां पर अपना खड़ा है एस वन मैंने इसको आगे लेके गया तो यहां पर मेरा क्या आया के जीरो मैंने इसको आगे लेके गया तो यहां पर मेरा क्या आया के वन अब लॉन्ग फॉरवर्ड है लॉन्ग फॉरवर्ड है तो मैं क्या करूंगा के वन माइनस के जीरो चार साल पुल बैक करूंगा ई टू दी पावर माइनस जीरो पॉइंट इंटू फोर ठीक है क्योंकि चार साल मेरे को इसको पुल बैक करना है चार साल मेरे को निकाला था विच इज के जीरो एज पर प्राइस एट टाइम जीरो मैंने फिर टाइम फाइव पे निकाला के वन एज पर प्राइस एट टाइम वन बट ये दोनों ही कहा खड़े हैं ये दोनों ही टाइम फाइव पे खड़े हैं मेरे को वैल्यू यहां पर निकालना है तो मैं चार साल इसको पुल बैक करूंगा e तो ये मैंने निकाल दिया वैल्यू ये मैंने निकाल दिया वैल्यू सो क्योंकि आपको पता है शेयर का दाम गिर गया है तो फॉरवर्ड का भी दाम गिर जाएगा सो अपने को नुकसान हो गया क्योंकि आपने किए थे लॉन्ग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विच इज माइनस टू पॉइंट सिक्स वन ठीक है माइनस टू पॉइंट सिक्स वन एट टाइम टू द शेयर अनएक्सपेक्टेडली पेज अ वन ऑफ डिविडेंड explain with reasons how the forward price uh, how the forward price might change as a result of the one off dividend the dividend will not affect the forward price directly because the forward price only depends on future expected dividends the dividend will not directly affect the share price because it was not expected hence not priced in already the dividend might still affect the share price in the real world either negatively because cash has been transferred out of the business or positively because it suggests confidence in the

नहीं लेते हैं राइट सो इसीलिए बोलता है पहला बात तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा फिर ये लोग दोबारा एक और चीज बोलता है बोलता है इंपैक्ट आ सकता है इंपैक्ट आ सकता है इंपैक्ट कैसे आएगा पहले ये बताइए इंपैक्ट कैसे आएगा पहले ये बताइए इंपैक्ट कैसे आएगा बताइए इंपैक्ट कैसे आएगा इंपैक्ट आएगा इंपैक्ट कैसे आएगा इंपैक्ट आ सकता है क्योंकि बिजनेस से पैसा जा रहा है बिजनेस से पैसा जा रहा है तो शेयर प्राइस कम हो सकता है उसके वजह से फ्यूचर पे इंपैक्ट आएगा और अगर मान लो बिजनेस डिविडेंड दे रहा है इसका मतलब लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा बिजनेस पे क्योंकि बिजनेस प्रॉफिटेबल है बिजनेस पैसा बना रहा है तभी वो डिविडेंड दे रहा है ठीक है ना सो so, उस वजह से अगर उसका शेयर का दाम बढ़ता है बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी डिविडेंड दे रही है और शेयर प्राइस ऊपर जा रही है बिकॉज लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया है अब अपने बिजनेस अब बिजनेस पे लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया ठीक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो यही बोलता है कि भाई दाम नीचे जाना चाहिए क्योंकि इट इज एन आउटफ्लो बट इन रियलिटी इन टूडे वर्ल्ड जहां पर मे बी सिक्सटी परसेंट लॉसेस कर रहे हैं तो वहां पर अगर कोई एक चिराग निकलता है जो बूट कंपनी है लाइक like जो जो भी कंपनी प्रॉफिटेबल है तो उसका बहुत वैल्यू और उसको बहुत इज्जत दिया जाता है ठीक है ना सो दिस इज बेसिकली अ क्वेश्चन सो इट्स अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन एक चीज मैं आपको अभी इस पर दिखाना चाहूंगा फिर हम लोग आगे चलेंगे बट पहले इस पर एक चीज आप समझ लीजिएगा जो आ, फ्यूचर को जो अपने जो किए हैं सो फ्यूचर को जो आपने किए हैं वो वाला एक बार ध्यान दीजिएगा बस खाली फ्यूचर को जो आपने कर रहे हैं वो वाला एक बार ध्यान दीजिएगा बेसिकली ये चीज समझिएगा ये है जीरो ये है वन और ये है फाइव यहां पर था मेरा एस जीरो यहां पर था मेरा एस वन मैंने एस जीरो को पांच साल आगे लेके गया तो यहां पर मेरा पड़ गया के जीरो फिर एक साल बीत गया मैंने यहां से जो निकाला चार साल आगे लेके गया ये मेरा निकला के हो सकता है यहां पर टू होगा पर होगा जब मैं इसको तीन साल आगे लेके जाऊंगा तो यहाँ के हिसाब से मेरा आएगा के टू। जो के के वन के टू है, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे है? टाइम फाइव पे खड़े हैं मेरे को बोलता है टाइम वन पे वैल्यू निकालो तो मैं क्या करूंगा लॉन्ग लॉन्ग मैं करूंगा मतलब क्या आगे जाके उसका दाम बढ़े तो मैं क्या करूंगा मैं करूंगा के वन माइनस के जीरो ली डिफरेंस इन दर्ड फिर ये दोनों कहां खड़े हैं ये दोनों खड़े हैं टाइम फाइव पे तो टाइम फाइव से मैं इसको वन पे लेके आऊंगा यही मान लो अगर टाइम टू पे निकालने बोलता तो मैं करता के टू माइनस के जीरो ठीक है ना इ टू दाइनस थ्री डेल्टा ठीक है ना इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू क्लियर ओके ओके सो एक और पार्ट में लेके आऊंगा जिसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे ठीक है थैंक यू ऑल ऑफ यू